नमस्कार। होली आने वाली है और घरों में पापड़ बनने शुरू हो गए हैं। आज हम आपके लिए पापड़ की एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं जिसे आप बिना तेल के बना सकते हैं, बिना धूप के सुखा सकते हैं। और ये पापड़ बनेंगे केवल 2 आलू और 1 कप मैदा से। ये एक नए तरीके के पापड़ हैं, आलू और मैदा के। बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि तेल लगाकर पापड़ बनाने से कुछ समय के बाद पापड़ में स्मेल आने लगती और फिर खाने में उनका स्वाद अजीब सा हो जाता है। तो आप भी इस रेसिपी की सहायता से बिना एक भी बूंद तेल का इस्तेमाल किए आलू और मैदा के ये कुरकुरे स्वादिष्ट पापड़ बना सकते हैं। अगर आपके घर में धूप की समस्या है तो भी आप ये पापड़ बना सकते हैं बिना धूप के। और इन पापड़ों को बनाने के लिए बहुत ही आसान सामग्री का इस्तेमाल किया है जो कि हर घर में मौजूद होती है, आलू और मैदा। कि ये पापड़ सर्वाधिक पसंद भी किए जाते हैं जो स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। सिर्फ 2 आलू और 1 कप मैदा से आप बहुत सारे पापड़ बना सकते हैं और पूरे साल भर इन्हें इंजॉय कर सकते हैं। और ये पापड़ बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए जानते हैं इन्हें बनाने का तरीका क्या है। इसके लिए जो सामान चाहिए होगा वो है 2 बड़े आलू लगभग 300 ग्राम और 1 कप मैदा लगभग 250 ग्राम और 1 छोटा चम्मच नमक। और अब इन्हें बनाने का तरीका जानते हैं इन्हें कैसे बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले 2 बड़े आलू लगभग 300 ग्राम लेकर उन्हें अच्छे से धोकर छीलकर एक कद्दूकस से उसके लच्छे बना लें। फिर उन लच्छों को साफ़ पानी से अच्छे से धुल लें जिससे उनका अतिरिक्त स्टार्च निकल जाए। अब आलू के लच्छों को किसी बाउल में थोड़ा पानी भरकर रखें जिससे कि आलू के लच्छे काले ना पड़े। अब आगे का स्टेप है, आलू के लच्छों को मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा पानी डालकर बारीक पीस लें। ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, आलू काला ना पड़े बस इतना पानी मिलाना है। इसके बाद अब आपको घोल तैयार करना है। आलू के तैयार घोल में 250 ग्राम मैदा मिलाकर अच्छे से ग्राइंड कर लें। घोल के हिसाब से आप आलू या मैदा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप पापड़ को डिफरेंट टेस्ट देने के लिए इसमें आप चिली फ्लेक्स, हरी धनिया, हरी मिर्च भी मिला सकते हैं। इससे पापड़ों का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अगर आपको पसंद हो तो आप इनमें ये चीज़ें भी मिला सकते हैं। अब घोल को चेक करना है। इसके लिए चम्मच के पिछले हिस्से से घोल चेक करें। अगर चम्मच घोल में कोट हो गया है और लाइन ड्रा हो रही है तो फिर पापड़ के लिए घोल परफेक्ट है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो इस घोल को थोड़ा सा और फेंट लें। अगला स्टेप है पापड़ बनाने के लिए मोल्ड, टिफ़िन का ढक्कन या स्टील या प्लास्टिक की कटोरी, प्लेट, आपके पास जो भी है कुछ भी ले सकते हैं। इसमें से अब मोल्ड के ऊपर 1 या 1.5 चम्मच घोल डालकर फैला दें और अतिरिक्त घोल को निकाल दें। इसी तरह से सारे पापड़ बना लें। मोल्ड में तेल लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब अगला स्टेप है गैस पर एक कढ़ाई में 1 से 1.5 गिलास पानी लें। फिर कढ़ाई में वायर रैक रख दें, ढक्कन से ढककर पानी में एक उबाल आने दें। एक उबाल आने के बाद कढ़ाई के ऊपर से ढक्कन हटा दें। अब वायर रैक के ऊपर जितने आ सके उतने पापड़ के मोल्ड रख दें। फिर कढ़ाई को ढक्कन से ढक दें। 1 मिनट बाद ढक्कन हटा दें। अब पापड़ के मोल्ड बाहर निकाल लें। पापड़ को उंगली से दबाकर चेक करें कि पापड़ ठीक हुए हैं या नहीं। पापड़ चिपचिपा नहीं होना चाहिए, ये पहचान है कि पापड़ परफेक्ट है। अब अगला स्टेप है एक बाउल या किसी भी बर्तन में ठंडा पानी भरकर उसमें पापड़ के मोल्ड डाल दें। फिर मोल्ड निकाल कर किसी चाकू की मदद से उसके किनारों से निकालते हुए पापड़ को डेमोल्ड कर लें। इसी तरह से सादे पापड़ तैयार करें। ये सबसे आसान तरीका है आयल फ्री पापड़ बनाने का। यदि पापड़ या मोल्ड हाथों में चिपक रहा है तो फिर से पानी में डिप करके डेमोल्ड कर लें।
इसी तरीके से तैयार पापड़ में कभी स्मेल नहीं आती है और पापड़ कभी खराब भी नहीं होते हैं। अब अगला स्टेप है, पापड़ सूखने के लिए आप प्लास्टिक शीट या फ्रिज मैट ले सकते हैं। आप इन्हें धूप में या घर के अंदर पंखे की हवा में सुखा सकते हैं। धूप में ये पापड़ एक दिन में और पंखे की हवा में 48 घंटे में सूखकर खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप इन्हें लंबे समय के लिए किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, जिस भी कंटेनर में पापड़ को स्टोर करें वो कंटेनर एयर टाइट होना चाहिए और अंदर से बिल्कुल सूखा होना चाहिए। इस तरह से आप इन पापड़ों को 1 से 1.5 साल तक आराम से रख करके खा सकते हैं। इसके बाद जब भी आपको पापड़ खाने का मन करे तो बस आप एक कढ़ाई में तेल या घी गरम करें। बस उसमें तेल घी गरम होने के बाद चिमटे की सहायता से उलट पलट करके पापड़ को सुनहरा तल लें और इसे एंजॉय करें। तो दोस्तों ये था पापड़ बनाने का सबसे आसान तरीका। आप भी इस होली में ये पापड़ ज़रूर बनाएं। देखेंगे आपकी आपके आने वाले मेहमानों को भी ये पापड़ बहुत पसंद आएंगे। अब आपसे इस पोस्ट से हम आज्ञा लेते हैं, आपसे फिर मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार।